नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फ्रेशर्स कैंप में। जैसा कि आपको पता है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो चार बड़ी जॉब अपडेट्स के बारे में है। इसमें से कुछ जॉब अपडेट्स बड़ी रिप्यूटेड कंपनी से हैं और कुछ नए स्टार्टअप से हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के साथ बेल बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियोज को लाइक करते रहिए और जितना हो सके शेयर करते रहिए। जैसे कि मैंने बताया कि आज हम लोग चार बड़ी जॉब अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो जॉब अपडेट्स हैं इसमें बीई, बीटेक, एमई, एमटेक का कोई भी ग्रेजुएट जरूर से पार्ट ले सकता है। किसी भी स्ट्रीम, किसी भी ब्रांच का जरूर से पार्ट ले सकता है। साथ ही साथ ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए भी जो इस जॉब में नया स्टार्टअप करना चाहते हैं। अब जो सबसे पहले हम जिस जॉब के बारे में बात करने वाले हैं वो आई हुई है गूगल की तरफ से। तो जैसा मैंने आपको बताया, गूगल की तरफ से आने वाला जो रिक्रूटमेंट है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट है। इसकी लोकेशन बैंगलोर और हैदराबाद दोनों जगह होने वाली है। गूगल के बारे में मुझे आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हैं गूगल कितनी अच्छी कंपनी है और यहाँ पे जॉब मिलना कितना मुश्किल होता है। इसलिए अगर आपको ये मौका मिल रहा है आप इसे बिल्कुल अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा। ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होने वाला है। इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको यहाँ मेंशन की हुई है, आप एक एक करके देख सकते हैं। इसमें बिल्कुल आप फ्रेशर हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। साथ ही इसकी जो सैलरी है वो इंडस्ट्री के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होने वाली है। यहाँ पे आपको पूरा जॉब का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है जिसे आप देख सकते हैं एक एक करके किस तरह से आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम यहाँ पे करना है। साथ ही आपको यहाँ नीचे आने पे इससे रिलेटेड और जानकारियां मिलने वाली है कि किस तरह की जो कंपनी है उसमें किस तरह से लोगों को हायर किया जाता है, क्या उनका प्रोसेस होता है हायरिंग का, साथ ही साथ किस तरह का काम वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। जो आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी यहाँ पे मेंशन की हुई है, इसे आप एक एक करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन मिल जाएगा जो कि मैंने आपको बताया बैचलर्स डिग्री है। उसके अलावा आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए यूनिक्स या लिनक्स, विंडोज और मैक एनवायरमेंट में काम करने का। साथ ही आपको मशीन लर्निंग का, सिस्टम का, इंफॉर्मेशन ट्रेवल का, इन सारी चीजों का नॉलेज, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन जैसी लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए। साथ ही आपको प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री है या फिर पीएचडी है। साथ ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए या अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है, आप यहाँ अप्लाई लिंक पे क्लिक करके इस पोजीशन के लिए जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारी दूसरी जॉब अपडेट जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो आई हुई है आईबीएम की तरफ से। आईबीएम की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आया है 2021 का वो डेटा इंजीनियर का आया है, जिसमें आपको एंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट पे काम करना है। इसके लिए भी पूरी रिक्रूटमेंट निकल चुकी है, इसकी लोकेशन बैंगलोर में रहने वाली है। इसमें जो आपकी पोस्ट का नाम रहेगा वो डेटा इंजीनियर का रहेगा। साथ ही इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होने वाली है। साथ ही इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है एजुकेशन की वो यहाँ मेंशन की हुई है, बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपकी। साथ ही आपको यहाँ पे सारी क्या क्या चीजों का नॉलेज होना चाहिए, कैसी कैसी चीजों के बारे में आप कॉन्सेप्ट और प्रोसेस के बारे में डिटेल्स हैं। आपका एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर से ज्यादा का होना ही चाहिए, यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। साथ ही उसके अलावा क्या क्या चीजों का नॉलेज होना चाहिए वो भी मेंशन है। जॉब रोल के बारे में भी सारे डिटेल्स मेंशन किए हुए हैं। अप्लाई करने की पूरी प्रोसेस भी यहाँ पे मेंशन की हुई है इन लोगों ने, आप एक एक करके देख सकते हैं। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे दिया भी हुआ है आपको लिंक और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप सारी डिटेल्स जब पढ़ लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जॉब हमारी तीसरी जॉब अपडेट जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो CUTN की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। CUTN के बारे में जैसे आप लोग जानते हैं कि ये काफी अच्छी कंपनी है, साथ ही साथ इसका फुल फॉर्म जो है वो सेंट्रल यूनिट ऑफ तमिलनाडु है, तो ये वहां की कंपनी है। साथ ही यहाँ पे यूनिवर्सिटीज की जो लोकेशन है वो तमिलनाडु में रहने वाली है, तिरुवल्ली में। इसकी जो पोजीशन आई हुई है ये टेक्निकल असिस्टेंट की आई हुई है। साथ ही इसकी जो क्वालिफिकेशन है वो एमटेक या एमएससी का ग्रेजुएट यहाँ अप्लाई कर सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं जरूर से अप्लाई करिए, यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जो आपकी सैलरी रहने वाली है वो 18,000 पर मंथ की रहेगी। लोकेशन तिरुवर में है। आपकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 जून 2021 है, इसलिए जितना जल्दी हो सके अप्लाई कर दीजिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके अप्लाई करिएगा। ये काफी अच्छी पोजीशन है उन लोगों के लिए जो लोग सब अपनी नई जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं और रिलोकेट करने को तैयार है अपने नेटिव प्लेस से। साथ ही यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी कुछ और डिटेल्स हैं यहाँ मेंशन किए हुए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए शॉर्ट लिस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की और उसके बाद फिर आपका इंटरव्यू होगा। इसमें अप्लाई करने की प्रोसेस भी पूरी बताई गई है, यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको मोर डिटेल्स के लिए यहाँ पे आगे की लिंक मिल जाएगी। अब जो हमारी चौथी जॉब अपॉर्चुनिटी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एचपी की तरफ से। एचपी की तरफ से जो आई हुई है जॉब अपॉर्चुनिटी है इसकी लोकेशन मुंबई और गुड़गांव दोनों जगह पे रहने वाली है। साथ ही इसकी जो पोस्ट रहेगी वो टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर की रहने वाली है।
एचपी के बारे में सारी डिटेल्स आप लोग जानते हैं, इसलिए मैं दोबारा से नहीं कहूंगी। साथ ही इसमें फ्रेशर्स जरूर से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस इस जॉब में भी नहीं मांगा गया है। कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट इसमें जरूर से अप्लाई कर सकता है। जॉब रोल है वो टेक सपोर्ट इंजीनियर का रहने वाला है। सैलरी आपकी 3 लाख पर एनम की होने वाली है। इसके अलावा जो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रेशर्स जो भी हैं वो 2019, 20 और 21 के बैच के होने चाहिए, तो यहाँ पे जरूर से अप्लाई कर लेंगे। 2 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट रहेगा यहाँ पे एचपी पायरोल के साथ। साथ ही आपका जो एनुअल सीटीसी है वो 3 लाख रहने वाला है। आपकी जो स्किल्स है यहाँ पे एमएस एक्सेल की पीसी स्किल्स है, और ये जो रिपोर्ट पेपर बनाने की स्किल्स है वो यहाँ पे मेजरली बताई गई है। जॉब का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिया गया, आप एक एक करके देख सकते हैं इसको। इसके अलावा जब आप सारी डिटेल्स पढ़ लेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आने पे एप्लीकेशन प्रोसेस बताया गया है, और यहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन लिंक है। जब आप सारी डिटेल्स पढ़ लें तो आप इस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली अपने एप्लीकेशन के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में आज हम लोगों ने बात की, ये काफी अच्छी कंपनियों में है और सेटल कंपनियों में रहने वाली है, इसलिए जितना जल्दी हो सके इस पे अप्लाई कर दीजिए। ये मौका मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं यहाँ पे अगर आपकी एक बार जॉब लग जाती है तो आपका सीवी में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आने लगता है, साथ ही साथ आपको अच्छी पे स्केल भी मिलने लगती है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा होगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।